शब्द सुना होगा, चर्चा में चल रहा है इस समय बहुत, जी लिविंग रिलेशन, जी सर, क्या सर होता है ये? मैं बता तो दूंगी पर आप संतुष्ट होगी नहीं, फिर भी आप बताइए जो भी नहीं। आपको लगता हो। सर के एक लड़का और लड़की दोनों आपस में प्रेम करते हैं, और जो लड़का है उनकी शादी हो रखी है और उनके घर पे पत्नी है, तो वो लड़का जिस लड़की से प्रेम, पत्नी से नहीं, जिस लड़की से प्रेम करता है उस लड़की को कुछ से दिनों के लिए पत्नी के पास में ही अपने घर ले जाता है। तो एसआई की लिखित परीक्षा पास करने वाली इन मैडम का लिव इन रिलेशन वाले सवाल का जवाब तो आपने सुन ही लिया होगा। जवाब सुनकर आपको हंसी भी आई होगी और साथ ही हैरानी भी हुई होगी कि आखिर मैडम ने ये परीक्षा पास की कैसे। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। एसआई पेपर लीक के मामले में एक कोचिंग संस्थान का वीडियो काफी वायरल हुआ, आपको दिखाएंगे वो पूरा वीडियो। अब केवल मैडम ने इसी सवाल का उल्टा पुल्टा जवाब नहीं दिया, मैडम के जवाबों को सुनकर तो आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। मैं पुलिस विभाग में इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि पुलिस विभाग में कानून और नीतियाँ बनाई जाती हैं। पुलिस विभाग में कानून बनता है, नीतियाँ बनती है, जी सर। तो फिर विधानसभा में और संसद में क्या होता है? कानून में सर जैसे आम नागरिकों की सेवा का भी मौका मिलता है। आम नागरिकों की सेवा तो आप नर्स बन के ज्यादा अच्छे नहीं कर सकते हैं। सर इसमें अपराधों की भी देख रेख कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को भी बनाए रख सकते हैं। नहीं, कानून व्यवस्था को बना कैसे रख सकते हो आप? कानून व्यवस्था सर, ये तो अगर व्यक्ति चाहेगा तो व्यवस्था बनेगी। मैं चाहूंगा कि जी सर, कानून का पालन करूं, मैं चाहूंगा कि जो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो रेड सिग्नल आए तो रुक जाऊं, जी सर, है ना, तो मैं ये कानून व्यवस्था बनेगी। और अगर हम तीनों ने ये मिलकर तय कर लिया कि ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ना ही तोड़ना, आप अकेले हैं वहां चौराहे पर, जी किस सर। किस को और कैसे रोकेंगे आप उस कानून व्यवस्था को बचाने के लिए? ये मैडम कह रही हैं कि पुलिस विभाग में कानून बनते हैं, अब जिस परीक्षा का बेसिक भी ना पता हो उन्होंने भी इस परीक्षा को पास कर लिया। खैर अभी रुकिए मत, आगे और भी सवाल हैं और इनके जवाबों को सुनकर आपको इस परीक्षा को लेकर झोल ही झोल नजर आएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए मेन जो एज होता है, आयु होती है, वो क्या होता है? अब इस सवाल का जवाब तो एक 8वीं क्लास का स्टूडेंट भी दे सकता है, वो इन्हें एसआई की लिखित परीक्षा पास करने की बात भी नहीं पता। चलिए आगे, अभी आपको सिस्टम व्यवस्था पर और भी अफसोस करना है। ये बताइए कि जो पुलिस है वो कौन से विभाग के अधीन आती है और अब वर्तमान में उसका कौन है मिनिस्टर? पुलिस राज्य सरकार के नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पुलिस नहीं है, डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के, उसके मंत्री कौन है अभी? मंत्री सर, सॉरी। पुलिस का मुखिया कौन होता है? पुलिस का मुखिया, मुखिया सबसे हेड कौन है, उस पोस्ट का नाम जानना चाह रहे हैं। जीरो नंबर एफआईआर के बारे में बताइए थोड़ा। सर जीरो नंबर एफआईआर तो ये एक ऐसी एफआईआर है जिसमें किसी अपराधी ने पहली बार जिस पुलिस थाने में जिसको किसी ने पहली बार अपराध हो गया है तो वो दोबारा उसी थाने में जाके अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज, दूसरे थाने में जाके वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। देख लीजिए अब जिस विभाग में काम करने का सपना इन मैडम ने देखा उनके बारे में इन्हें कितनी जानकारी है। पुलिस का जो अभी भारत का कानून है वो अंग्रेजों का जमाने का है जी सर, आपको लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए या बहुत बढ़िया चल रहा है? सर बदलाव को भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास तो हो रहा है लेकिन लॉ की जो व्यवस्था है वो हमारी पुरानी है, तो इसमें बदलाव आप जरूर समझते हैं या सब बढ़िया चल रहा है? सर चल तो अच्छा ही रहा है बट बाद में अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा मुझे बताइए, भारत में महंगाई बढ़ गई है मैडम, जी सर, इसका ऐसे ही से क्या लेन देन है? ऐसे ही से? हाँ सर महंगाई बढ़ गई तो ये सब जगह ही बढ़ेगी, बात में एक बात कानून कहने व्यवस्था से नहीं, तो उस कानून व्यवस्था से या एसआई के पद से क्या ऐसे ही बनने के बाद आप महंगाई को कम करवा देंगे? सर हम तो महंगाई को कम नहीं करवा सकते। तो यही तो कह रहा हूँ कि भी इसका ऐसे ही बन करके आप क्या क्या बदलाव करवा देंगे समाज में? समाज में सर मैं
महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव डालूंगी। अभी मैडम महिलाओं पर कितना प्रभाव डालेंगी ये तो बाद में तय होगा, लेकिन इन मैडम के जवाबों को सुनकर उन मेहनतकश और गरीब विद्यार्थियों के ऊपर जरूर प्रभाव पड़ रहा है जो इतने सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहें राजस्थान तक। शुक्रिया।